तो आज पंजाब में फोन करके पता कर लेना। 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब, फोन करके पता कर लो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारियां भी होंगी, एक रुपया भी रिश्वत का देना पड़ा हो तो जिम्मेदार हूं भाई साहब मैं। एक रुपया भी नौकरी लेने के लिए किसी ने, एमएलए ने या मंत्री ने मांगा हो, एक रुपया, लाख दो लाख दस लाख की बात तो दूर है, एक रुपया भी रिश्वत का लिया हो मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। ऐसी बात कहनी बहुत मुश्किल है भाई साहब आज के जमाने में। कौन से नेता पर यकीन करता है कोई? नेताओं पर यकीन उठ गया? 75 साल से लूट रहे हैं हमको, यकीन ही उठ गया इन पर से। मेरी गाड़ी में लगभग आधा क्विंटल फूल आ जाते हैं हर रोज शाम तक, मेरी पगड़ी फूलों से भर जाती है, माएं मेरा सिर पलोसती हैं बेटा जिंदा रहे, बेटा बड़ी उम्र हो, बहनें दुआएं देती हैं, नौजवान लड़के कंधे पे हाथ रख के सेल्फी करवाते हैं। ये प्यार कभी मिलता है? ये प्यार किसको मिलता है? मैं तो सोचता, खुद भी सोचता रहता हूं, भगवंत मान पुराने जन्म के पुण्य है, ये प्यार मिल रहा है? वरना दूसरी पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेस के, भाजपा के, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध, ये हालत है उनकी, क्या करें। अब यकीन ही उन पर करते थे, यकीन उठ गया। उसके बाद रामलीला ग्राउंड से अरविंद केजरीवाल ने एक आवाज उठाई कि इन सबको बदल देंगे, आम घरों के बच्चे, आम घरों के बेटे बेटियां आएंगे, चलो आम आदमी पार्टी बनाते हैं, झाड़ू उसका चुनाव चिन्ह लेते हैं जो सफाई करता है। भाई साहब दिल्ली में ऐसी सफाई की 3 बार कि कीचड़ में उगने वाला कमल का फूल मिले ही नहीं, क्योंकि झाड़ू था, झाड़ू सफाई करता है, कमल कीचड़ में उगता है, झाड़ू ने सफाई कर दी पंजाब और दिल्ली में, कमल उगा नहीं, हम क्या करें इसमें भाई। ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, कितनी देर इनको परखोगे, कितनी बार इनको परखोगे? एक बार, दो बार, 10 बार, 5 बार, बस करो यार। 3 पीढ़ियां खा गए हमारी, हमारा बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, हमारा बुढ़ापा खा गए, कब तक इनके हाथों से लूटोगे? बदल के देख लो। वो अगर कोई बीमार हो जाए, हम उसके घर पे जाते हैं पता लेने, बेटे का क्या हाल है, वो जी सोनीपत के बड़े अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं 2 दिन देखेंगे वरना दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली में शायद ऑपरेशन होगा। फिर हम कहते हैं चलो भगवान से दुआ करते हैं ठीक ठाक हो जाए बच्चा, लेकिन हम साथ में सलाह भी दे देते हैं, ये साथ में मुरथल है, वहां एक सयाना है, एक बंदा बुजुर्ग है, सयाना है, वो नीम की एक शाखा को लेके ना वो झाड़ा करता है, झाड़ा नहीं बोलते अपने देसी, वो झाड़ा करता है, वो झाड़ा करता है, उसके झाड़े से भी अपने गांव के 2-3 लोग ठीक हो चुके हैं, गुरदेव सिंह का भांजा, नरेश का भतीजा, झाड़ा करवा लो। तो जो जिनके घर का बीमार होता है बच्चा, वो कहते हैं जहां इतने पैसे डॉक्टरों को दे दिए, कहीं मुरथल वाले सयाने वाला झाड़ा गलतफहमी में ना रह जाए, वो भी करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं वहां से। हरियाणा का भी यही हाल है भाई साहब, 75 साल से 2 डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, 5 साल कांग्रेस डॉक्टर, 5 साल भाजपा डॉक्टर, 5 साल कांग्रेस डॉक्टर, 5 साल भाजपा डॉक्टर, फिर 5 साल बीच में नेल्लो डॉक्टर। बीमारी बड़ी या कम हुई? बड़ी। फिर बेनती है इस बार हमसे झाड़ा करवा के देख लो, क्या पता काम बन जाए, झाड़ा ठीक होगा तो बड़े डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ये बात कहने के लिए आया हूं। अरविंद केजरीवाल 16 अगस्त को पैदा हुए थे, भगवान भी कुछ ना कुछ तो करता रहता है ना, 16 अगस्त को अरविंद केजरीवाल पैदा हुए थे, जिस दिन अरविंद केजरीवाल पैदा हुए थे उस दिन जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी थी जिस दिन पैदा हुए थे, कुछ ना कुछ तो भगवान करता है ना,
भगवान खुद थोड़ी आता है, वो किसी ना किसी के बीच में से कुछ ना कुछ करवाता है। वरना एक छोटे छोटे आम घरों से हम लोग खड़े होके मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए, एमपी बन गए, ये आम बात थोड़ी है जी। ये किसी को बारी देते हैं क्या? इन्हीं के बेटे, इन्हीं के पोते, इन्हीं के भतीजे, इन्हीं के साले, इन्हीं के जीजे, यही खत्म नहीं होते। बताओ किसी और की बारी आई? आपके किसी बच्चे की बारी आई चेयरमैन बनने की, एमएलए बनने की, विधायक बनने की? आपके बेटे की बारी आई? क्यों भाई, क्यों नहीं आई? इनके बच्चे बेटे बनेंगे, एमपी वो बनेंगे, एमएलए बनेंगे, ये खड़े हैं हमारी, ये फोर्सेस खड़ी है हमारी, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। 10-10 साल से इनकी उन्नतियां रुकी हुई हैं। पंजाब में हमने फैसला किया हुआ है, दिल्ली में फैसला किया हुआ है। दिल्ली का कोई पुलिस का जवान, दिल्ली का, या दिल्ली का कोई जो फौज का जवान, और पंजाब का कोई पुलिस का जवान, और पंजाब का जो फौज का जवान अगर बॉर्डर पे या ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया भाई साहब भोग से पहले देते हैं। पंजाब पुलिस को तो 2 करोड़ देते हैं हम, क्योंकि एचडीएफसी के साथ हमारा एक टाई अप है, तो उनको वहां से इंश्योरेंस मिलती है। पंजाब पुलिस की ड्यूटी के दौरान अगर कोई शहीद हो जाए, 2 करोड़ रुपया घर वालों को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि 2 करोड़ से मैं उनकी जान वापस लेके आ सकता हूं, शहीद की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन 2 करोड़ घर पे मिल जाएगा ना, तो कम से कम इधर उधर हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, परिवार ठीक रहता है, बच्चों को पढ़ा लेंगे। यहां क्या देते हैं? बाकी देश में क्या देते थे पहले? विधवा को, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, तालियां, बताओ सिलाई मशीन, हद है यार। दिन रात नौकरी करते हैं, हमारी हराखी करते हैं, चाहे सड़कों पर चाहे सरहदों पर, और उनके मरने के बाद शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, क्या मजाक नहीं है ये? तो भाई साहब आओ, निकल के आओ, बाहर आओ। आप लोगों का बाहर आना हमारे लिए हिम्मत, हमारे पास पैसे नहीं है भाई साहब, हमारे पास मसल पावर भी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी वो हमारे पास है।